यहाँ ये हमने एक पैन लिया है। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच तेल, जो भी आप रेगुलर में यूज़ करते हैं। ये तेल हमारा गर्म होने लगा है, हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। गैस को बिल्कुल स्लो कर देना। मसाले डालेंगे अब ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये 1/2 चम्मच से भी कम धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच चाट मसाला और 2 से 3 पिंच जीरा पाउडर, ये ऑप्शनल है। और मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें। और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जहाँ बड़े बड़े आलू आपको दिखे आप उनको इस तरह से मैश कर देना और इसे हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो यहाँ ये हमारे अच्छे से भुन गए हैं आलू। इससे आप सैंडविच बनाएं या ब्रेड पकौड़े बनाएं बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर उन्हें भून लिया जाए तो। गैस को बंद कर देते हैं और इन आलू को ठंडा होने देंगे। यहाँ हम पकौड़ों के लिए बेसन का घोल तैयार करते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और ये थोड़ी सी हल्दी 2-2 चुटकी और ये 1/2 चम्मच नमक और ये थोड़ी सी अजवाइन। ये मैंने 1 कप पानी लिया है, अभी इसमें आधा डाला है। एक बार मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से इस तरह से फेंट लेना ताकि कोई भी गुठली ना रहे। और ये पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं। घोल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा बनता है तो ब्रेड अंदर से सॉफ्ट रहती है, बाहर से वो इतना क्रिस्पी नहीं बनता। तो घोल को थोड़ा सा पतला रखना। तो ये हमारा तैयार है, देख सकते हैं इस तरह से है ये। और इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बेसन भी अच्छे से फूल जाएगा। टमाटर की चटनी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने जार लिया है, ये 3 टमाटर लिए हैं बड़े, इस तरह से बड़े बड़े मैंने काट लिए, इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है जिसे इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है और ये 1/2 नींबू का रस, इसके बीज हमने निकाल दिए थे। इस चटनी में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो 2 पिंच हींग और बहुत ही थोड़ा सा ये जीरा और ये 1/2 चम्मच नमक। और अब हम इसको पीस लेंगे, पानी नहीं डालना है। यहाँ हमारी टमाटर मिर्ची वाली चटनी पिसकर तैयार है, ये देखिए इस तरह से। इसमें टमाटर भी दिखेंगे, मिर्ची भी दिखेगी। यहाँ हमारे आलू ठंडे हो गए हैं और हमने यहाँ ब्रेड ली है। हम ब्रेड के एक साइड पर ये आलू लगा देंगे अच्छे से। ये लगा दिया है, ये ब्रेड हम इस पर रख देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसे हम बीच में से काट देंगे। ये इस तरह से। और ये जो हमने बेसन का घोल तैयार किया है हम इसमें इसे डिप कर लेंगे और ये हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है, गैस को मीडियम रखा है। और जब ये एक साइड से सेक जाए तो हम इसको पलट देंगे। देखिए हमारे पकौड़ों में बेसन की मोटी लेयर नहीं है, वरना अगर आप मोटी लेयर रह जाएगी, बेसन को गाढ़ा घोल बनाएंगे तो वो सॉफ्ट बनेंगे। ये वाला सिक गया है, इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा साइड में ऐसे किनारे पर लगा लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाए। और आप देखेंगे बिल्कुल अच्छा क्रिस्पी गोल्डन कलर है, खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी है। ये भी सिक गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। हाँ, ये हमारे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार है। ये हमारी टमाटर की चटनी, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और आप ब्रेड पकौड़े
अपने घर पर ब्रेकफास्ट में बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बारिश के मौसम में बना सकते हैं। इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।